बच्चों अब हम आपका मीडियन में क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेंड इज रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग टेबल। यानी आपको पत्तियों के मेजरमेंट दिए हुए हैं और पत्तियों की संख्या दी है। ये पत्तियों की मापे है मिलीमीटर में और जो पत्तियाँ आती पेड़ों की ये उसके नंबर्स हैं। तो ये आपके ग्रुप है और ये आपका फ्रीक्वेंसी है। मैंने कई बार बोला कि वर्ग के बाद ग्रुप के बाद जो दिया है वो एफ है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी ये ग्रुप है और ये फ्रीक्वेंसी है, ये वर्ग है और ये फ्रीक्वेंसी है एफ। ठीक है, अब हमें इसका मीडियन निकालना है मतलब माध्यक। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहली बात तो आप ये ग्रुप देख ले, ये ग्रुप एक दूसरे से चिपके नहीं है। जैसे 126 पे ख़त्म हो रहा है तो शुरू 127 पे हो रहा है, 135 पे ख़त्म हो रहा है शुरू 136 पे हो रहा है। ग्रुप्स कैसे होने चाहिए देखिए, यहाँ 2000 पे ख़त्म हुआ 2000 से शुरू हुआ, 2500 पे ख़त्म हुआ 2500 पे शुरू हुआ, मतलब 2000 पे ख़त्म हुआ तो 2000 से शुरू होना चाहिए। ग्रुप चिपके होने चाहिए, वर्ग चिपके होने चाहिए। जैसे ये देखिए 1 से 4 है तो फिर 4 से 7 है, फिर 7 से 10 है, 10 से 13 है, ग्रुप ऐसे होने चाहिए। तो यहाँ ग्रुप एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, तो पहले हमें इसे सही तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे मैं समझा देता हूँ। और ये नंबर 2 पे जो दिया है वो तो आपका एफ ही है, आप जानते हो। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले जो ग्रुप से आपके इन ग्रुप में एक एक का गेप चल रहा है, 1-1 का गेप चल रहा है। जिससे 126 से ख़त्म हुआ है और 127 से स्टार्ट है तो यहाँ 1 का गेप है, तो उस 1 को आधा कर दें, 1 का हाफ कर दें, 0.5 आएगा। ये सब नाइन्थ में भी कर चुके हो। ठीक है, तो जो 0.5 है वो इसमें से माइनस करें, इसमें प्लस करें। इसमें से माइनस करेंगे तो 117.5 आएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 126.5 आएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 126.5 आएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 135.5 आएगा। इसमें माइनस करेंगे तो 135.5 आएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 144.5 आएगा। इसमें माइनस करेंगे तो 144.5 आएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 153.5 आएगा। इसमें माइनस करेंगे तो 154.5 आएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 162.5 आएगा। इस टाइप से आपके ये ग्रुप एक दूसरे से मैच हो जाएंगे। और जो नंबर 2 पे आपको दिया है वो तो एफ ही होता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। उससे हम सी एफ बनाएंगे, 3 का 3 और 5 8 और 9 17 17 और 12 29 29 और 5 34 एंड 4 38 एंड 2 40। ठीक है, और F का जो टोटल आएगा वो भी 40 ही आएगा, जिसे हम N कहेंगे। आई रिपीट, उसे N कहते हैं। अब इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो ये भी आपको आ ही जाएगा। फिर आप फॉर्मूला लगा दें, N बटे 2 वा पद, N बाय 2 टर्म्स। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से देखें, N की जगह आएगा 40 बटे 2 वा पद, 40 बाय 2 टर्म्स, तो ये आएगा 20वा पद 20 टर्म्स। इसे हम सी एफ में देखेंगे, ये 20वा पद 20 टर्म्स सी एफ में 3 में तो हो नहीं सकता, 8 में भी नहीं हो सकता, 17 में भी नहीं हो सकता, काय में होगा 29 में। तो इसका मतलब ये पूरा आपका ग्रुप आ गया, ये L1 L2 है, ये F है और इसके ऊपर वाला C है। ओके, तो L1 L2 क्या आया, 144.5 से 153.5, F जो आया 12 आया 12 और C जो आया 17 आया 17। अब आप फॉर्मूला लगा दें, मीडियन माध्यिका इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 बाय F इंटू एन बाई टू माइनस सी। तो मीडियन की जगह, माध्यिका की जगह आएगा 144.5 प्लस L2 माइनस L1 की जगह 153.5 माइनस 144.5 अपॉन में F की जगह 12 आएगा 12 एन बाय टू। ये जो एन बाय टू का आंसर है, एन बाय टू का आंसर आपका 20 है 20 और C की जगह आपका 17 आएगा 17। अब अगर हम इसमें से इसे माइनस करें तो 9 आएगा अपॉन में 12 आएगा 12। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करके 3 आएगा, 3 चौक 12, 3 4 12, तो ये आया 144.5, ऊपर 9 आया नीचे 4 आया और 9 को 4 से डिवाइड करके आपका 2.25 आएगा। फिर 144.5 में 2.25 प्लस करेंगे तो 146.75 आपकी माध्यिका आ जाएगी मीडियन, जो कि 144.5 और 153.5 के बीच में होगी। ठीक है, इस टाइप से आपका ये थोड़ा सा एक स्पेशल क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे
सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो यहाँ लिखा है बिलो, बिलो मीन्स से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम, ये ग्रुप नहीं है, इससे ग्रुप बनेंगे, ओके। और ये नंबर्स ऑफ पॉलिसी होल्डर, जिन्होंने पॉलिसी ली है ये उनके नंबर है। इसका मतलब मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि जो नंबर दो पे आता है वो एफ होता है फ्रीक्वेंसी। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ खास बात है, खास बात ये कि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये से कम का क्वेश्चन है, लेस देन का। और लेस देन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जो लेस देन लिखा है, बिलो लिखा है, बिलो मीन्स लेस देन, से कम, यहाँ ग्रुप बनेंगे, ठीक है। और जो नंबर दो पे दिया है वो एफ नहीं है, इट इज योर सी एफ, ये सी एफ है, कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी संचय आवृत्ति, ध्यान रखना ये कि स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहाँ से ग्रुप बनेंगे, जहाँ से कम लिखा है, बिलो लिखा है, लेस देन लिखा है, ये ग्रुप बनेंगे यहाँ से। कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। और जो नंबर दो पे दिया है वो हमेशा फ्रिक्वेंसी होती है एफ, लेकिन इस बार ये एफ नहीं है, ये सी एफ है, कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी। बताता हूँ ये कैसे होगा, देखिए ये जो से कम लिखा है, बिलो, यहाँ से ग्रुप कैसे बनेंगे, ठीक है, बताता हूँ। यहाँ 5-5 के गैप चल रहे हैं, तो 60 से 5 कम करेंगे तो 55 आएगा, तो ये देखो इसमें 5 कम किया 55 आया, इसमें 5 कम किया 50 आया, इसमें 5 कम किया 45 आया, इसमें 5 कम किया 40 आया, इसमें 5 कम किया 35 आया, इसमें 5 कम किया 30 आया, इसमें 5 कम किया 25 आया, 25 में 5 कम करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। और 20 में अगर आप 5 कम करोगे, देखिए 20 में अगर आप 5 कम करोगे तो 15 आएगा 15, ठीक है। तो आपके ग्रुप स्टार्ट कहाँ से होगे, ये देखिए ये सब 5-5 का गैप चल रहा है, ठीक है। से कम, बिलो, 60 से 5 कम करेंगे 55 आएगा, 55 55 से 5 कम करोगे 50 आएगा, 50 50 से 5 कम करोगे 45 आएगा, 45 45 से 5 कम करोगे 40 आएगा, 40 से 5 कम करोगे 35 आएगा, 35 में 5 कम करोगे 30 आएगा, 30 में 5 कम करोगे 25 आएगा, 25 में 5 कम करोगे 20 आएगा, 20 में 5 कम करोगे तो 15 आएगा, 15 आएगा, तो आपके ग्रुप 15 से स्टार्ट होगे और 5-5 का गैप चलेगा, 5-5 का गैप चलेगा, 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, इस टाइप से आपके गैप बनेंगे। समझ में आया ग्रुप कैसे बने, मैं रिपीट कर रहा हूँ ग्रुप कैसे बनेंगे। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये बिलो लिखा है, बिलो का मतलब जो होता है यहाँ लिख देता हूँ मैं, से कम, हिंदी मीडियम वाले, से कम इसका मतलब होता है तो ये लेस देन है, ठीक है। इसमें से 5 कम करोगे 55 आएगा, इसमें पहली बात तो आपका 5-5 का गैप चल रहा है, इसमें से 5 कम करोगे 55 आएगा, इसमें से 5 कम करोगे 50 आएगा, इसमें से 5 करेंगे 45 आएगा, ऐसा करते 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 जब इसमें से 5 कम करोगे तो 15 आएगा, 15। तो आपके ग्रुप स्टार्ट कहाँ से होंगे, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 35 से 35, देखो ना 60 में से 5 कम किया 55 आया, 55 में 5 कम किया 50 आया, 50 में 5 कम किया 45 आया, 45 में 5 कम किया 40 आया, है ना। से कम बिलो का मतलब होता है इससे 5 कम, तो इससे 5 कम 15 होगा, इससे 5 कम 20 होगा, तो ये ग्रुप 20 से 25 आएगा, इससे 5 कम 35 होगा, 25 से 30 आएगा, इस टाइप से आपके ग्रुप बनेंगे, ओके। और जो नंबर दो पर आपको दिया है, ये जो नंबर दो पे दिया है ये हमेशा फ्रिक्वेंसी होती है, रिपीटेड ये फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी एफ, लेकिन इस क्वेश्चन में ये सी एफ है, ये सी एफ है। जब भी बिलो का क्वेश्चन आएगा, लेस देन का क्वेश्चन आएगा, से कम का क्वेश्चन आएगा, नंबर दो पे जो दिया है वो हमेशा 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 सी एफ होगा, मीन्स ये सी एफ है। ये जो आपको दिया है ना 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100, ये सी एफ है, ये F नहीं है, है ना। हम F से सी एफ कैसे बनाते हैं, प्लस कर करके, लेकिन हमें इस बार सी एफ दिया है तो सी एफ से F कैसे बनेगा, माइनस कर करके। जैसे 100 में 98 माइनस करेंगे 2 आएगा, 98 में 92 माइनस करेंगे 6 आएगा, 92 में 89 माइनस करेंगे
थ्री आएगा। 89 में 78 माइनस करेंगे 11 आएगा। 78 में 45 माइनस करेंगे 33 आएगा। 45 में 24 माइनस करेंगे 21 आएगा। 24 में 6 माइनस करेंगे 18 आएगा। 6 में 2 माइनस करेंगे 4 आएगा और 2 का 2। मीन्स इस क्वेश्चन में आपको F नहीं दिया है, CF दिया है। और कैसे पहचानूंगे? जो क्वेश्चन बिलो का हो, लेस देन का हो, से कम का हो, वहाँ आपको आवृत्ति नहीं दी है, फ्रिक्वेंसी नहीं दी है। तो दिया है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, जिन्होंने पॉलिसी ली है उनकी संख्या, वो CF है। और F से CF बनाने के लिए हम प्लस करते चलते हैं इस टाइप से, लेकिन इस बार हमें CF दिया है, ठीक है। जब F से CF बनता है तो ऊपर से प्लस करते 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 हम नीचे आते हैं, और जब CF दिया है तो नीचे से माइनस करते 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 हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें CF दिया था, तो F से CF प्लस करके बनता है, CF से F माइनस करके बनेगा। F से CF बनाने के लिए ऊपर से नीचे आते हैं प्लस करते करते, CF से F बनाने के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस करते करते, इस टाइप से। 100 में 98 गया 2, 98 में 92 गया 6, 92 में 89 गया 3, 89 में 78 गया 11, 78 में 45 गया 33, 45 में 24 गया 21, 24 में 6 गया 18, 6 में 2 गया 4, 2 का 2, ठीक है। अब जाके आपका क्वेश्चन एक टारगेट पे पहुंचा। आप चेक कर सकते हो, देखिए F से CF कैसे बनता है। F नहीं दिया था, CF दिया था, हमने CF से F बनाया। अब F से CF कैसे बनाते थे? 2 का 2 और 4 6 और 18 24 और 21 45 और 33 78 और 11 89 और 3 92 और 6 98 एंड 200, देखा। और F का जो टोटल है वो N कहलाएगा, ठीक है। F का टोटल हमेशा N कहलाता है, ओके। अब आप फॉर्मूला लगा दें, N बाय 2 वा पद, N बाय 2 टर्म्स, 100 बाय 2 टर्म्स, और ये आया 50वां पद 50 टर्म, जिससे आप काय में देखोगे CF में, ओके। तो 50वां पद 50 टर्म CF में जो होगा वो 78 में इंक्लूड होगा। तो ये पूरा ग्रुप बन गया आपका, ये L1 L2 है, ये F है और ये C है, ये नहीं, इसके ऊपर वाला C है। तो ये L1 L2, ये F और इसके ऊपर वाला C। फॉर्मूला लगा दें, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू N बाई 2 माइनस C। तो L1 की जगह 35 आएगा, L2 माइनस L1 की जगह 40 माइनस 35 आएगा, F की जगह 33 आएगा, N बाई 2 का आंसर जो है वो 50 है, 50 माइनस C की जगह आपका 45 आ जाएगा, ओके। तो देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, 40 में 35 गया 5 आएगा, 50 में 45 गया 5 आएगा अपॉन में 33। तो ये कैंसिल तो होगा नहीं, 5 5 25, 5 5 25, और अगर हम 25 को 33 से डिवाइड करें, 25 को 33 से भाग दें तो 0.75 आएगा, और फिर 35 में 0.75 प्लस करेंगे तो 35.75 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम लोग, एक और क्वेश्चन बच जाता है, बट वो नहीं भी किया चलेगा, और फॉर्मेलिटीज़ हैं, औपचारिकता है। 14.4 आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल ये 3 एक्सरसाइज करेंगे। आई रिपीट, आप केवल ये 3 एक्सरसाइज करेंगे।